जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा 3 में आज हम अध्याय 4 के प्रश्न बताओ भाई कितना गुना ये प्रश्न हल करेंगे। आज का हमारा अध्याय है बताओ भाई कितना गुना। तो आज हम गुना जोड़ बाकी के प्रश्न हमने हल कर लिए हैं पिछले 3 अध्याय में। आज हमारा चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय है हमारा गुणा का, ठीक है। गुणा करना है हमें, आज के अध्याय में हम गुणा सीखेंगे। तो पिछली कक्षा में आपने इस प्रकार के सवाल किए होंगे, है ना। यहाँ हमें 4 गमले दे रखे हैं। कैसे गमले दे रखे हैं? 4 गमले दे रखे हैं। अब एक गमले में 3 फूल दिखाई दे रहे हैं सबको। एक गमले में कितने फूल है? 3। सब में 3-3 फूल है, तो 3 फूलों की संख्या दे रखी है यहाँ पे। गमले कितने हैं? 4, और फूलों की संख्या कितनी दे रखी है? 3, ठीक है। इसमें भी 3, पहले में भी, दूसरे गमले में भी संख्या दे रखी है 3, और तीसरे गमले में भी संख्या कितनी दे रखी है? 3। चौथे गमले में भी संख्या कितनी दे रखी है? 3। तो प्रत्येक गमले में कितने फूल हैं? 3 फूल हैं। फूल लगे गमले कितने हैं? अब गमलों की संख्या कितनी यहाँ दे रखी है? 4। तो कुल कितने फूल हैं? अब 4 बार 3 कितनी बार? 4 बार 3 आया है। 1 बार 3, 2 बार 3, 3 बार 3 और 4 बार 3, तो कितनी बार आया है? 4 बार 3। तो इसको जोड़ लो, 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है। पहले गमले के 3 फूलों की संख्या, दूसरे गमले के फूलों की संख्या 3, तीसरे गमले के फूलों की संख्या 3, और चौथे गमले में भी फूलों की संख्या कितनी है? 3। तो इन 4 गमलों के फूलों की संख्या को जोड़ कर ली, तो जोड़ने पे कितना आया? 12। 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो फूलों की संख्या कितनी हो गई? 12। इसको दूसरे तरीके से भी हम हल कर सकते थे कि गमले की संख्या कितनी है? 4, और फूलों की संख्या कितनी है? 3। तो 4 को 3 से गुणा कर देंगे, तो 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 किया 12, तो फूलों की संख्या क्या हो गई? 12। ये दोनों तरीकों से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, चित्र को देखिए और लिखिए। चित्र दिखाई दे रहा है हमें। अब चित्र में 3 बॉक्स बने हुए हैं। कितने बॉक्स बने हुए हैं? 3 बॉक्स बने हुए हैं। अब बॉक्स के अंदर की जो बॉल्स हैं उनकी संख्या हमें इन कॉलम में लिखनी है। बॉक्स कितने हैं? 1, 2, 3 बॉक्स है। बॉल की संख्या कितनी है? बॉक्स के अंदर बॉल कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। एक बॉक्स में बॉल कितनी है? 5। दूसरे में कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे में भी 5। तीसरे बॉक्स में संख्या देखते हैं बॉल की, 1, 2, 3, 4, 5। तीसरे बॉक्स में भी बॉल की संख्या कितनी है? 5, ठीक है। तो प्रत्येक बॉक्स में बॉल की संख्या कितनी है? 5। तो प्रत्येक डिब्बे में कितनी गेंदे हैं? 5। प्रत्येक डिब्बे में गेंदे कितनी हैं? 5। गेंदों से भरे डिब्बे कितने हैं? 3। 1, 2, 3, 3 डिब्बे हैं। अतः 3 बार 5 गेंदे, 3 बार 5 गेंदे हो रही है, 1, 2, 3, 5, 5, 5, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे? ऐसे भी कर सकते हैं, 3 बार 5 है तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 + 5 + 5, तो गेंदों की संख्या कितनी हो गई? इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। 5 और 5 कितना हो गया? 10। 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो गेंदों की संख्या बराबर 15, ठीक है। ऐसे ही कर लेंगे। अगर इनको जोड़ के नहीं गुणा करें तो क्या करेंगे? 5 को 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 5, एक बॉक्स में गेंद कितनी है? 5, और बॉक्स कितने हैं? 3। तो 5 को 3 से गुणा करने पे संख्या क्या आ जाएगी? 15। और अगर 5 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी हमारे पास संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी? 15, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में एक और उदाहरण है। रोड डिवाइडर में लगी सीमेंट की ईंट की लंबाई 3 बालिश्त है। कितनी है? 3 बालिश्त। तो चित्र में बताए गए डिवाइडर की लंबाई बताइए। ये आपको सड़क दिखाई दे रही है। अब इस सड़क पे कितनी ईंटें लग रखी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ईंट लगा रखी है। अब एक ईंट की लंबाई कितनी है? 3 बालिश्त, ठीक है। एक ईंट की लंबाई है 3 बालिश्त और ईंटें कितनी लगा रखी है? 6 ईंटें लगा रखी है। तो डिवाइडर में लगाई ईंटें, कितनी ईंटें लगाई गई है? 6, ठीक है। एक ईंट की लंबाई कितने बालिश्त है? 3 बालिश्त, तो यहाँ लिख दो 3 बालिश्त। अब सभी ईंटों की लंबाई कितनी हो जाएगी? सभी ईंटों की लंबाई 6 बार
तीन है ना, छह ईंटें हैं और तीन, एक ईंट की लंबाई कितनी है, तीन बालिश है, तो छह बार तीन, तो यहाँ खाली जगह दे रखी है, अब खाली जगह में हम क्या भरेंगे, तीन को छह बार लिख देंगे, तीन 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 और तीन, ठीक है। एक ईंट की लंबाई तीन, दूसरी की भी तीन, तीसरी की भी तीन बालिश, चौथी की भी तीन बालिश, पांचवी की भी तीन बालिश और छठी की भी तीन बालिश। तो अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तीन और तीन छः, छः और तीन नौ, नौ और तीन बारह, बारह और तीन पंद्रह, पंद्रह और तीन अठारह, कितने हो गई टोटल ईंटों की संख्या, कितनी बालिश संख्या हो गई, अठारह बालिश। तो ऐसे ही हमको गुणा के प्रश्न हल करने हैं।